أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। शुरू करते हैं उस पाक परवरदिगार के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे बच्चों, आज की हमारी उर्दू की क्लास में हम अपने दूसरे सबक का मुताला करने जा रहे हैं। हमने अपने पहला सबक हम का मुताला किया, उसकी एक्टिविटी, उसकी सारी सरगर्मी की, सवाल जवाब तशरीहात किए, उसके बाद कुछ ग्रामर का काम किया, और अब जो है हम उर्दू के दूसरे सबक का मुताला करने जा रहे हैं। हमारी दरसी किताब का जो हम दूसरा सबक लेंगे वो है आपके सफ़ा नंबर 91। सफ़ा नंबर 91 में मौजूद है काम और पेशे। आज हम जिस सबक का मुताला करने जा रहे हैं वो काम और पेशे हैं। तो बच्चों, इस सबक का मुताला करने से पहले मैं आपको कुछ बताती चलूँ कि जब हम इस सबक का मुताला करेंगे तो हम देही ज़िंदगी मतलब देहाती ज़िंदगी, गांव की ज़िंदगी के बारे में कुछ जान सकेंगे। मुख्तलिफ़ पेशों के बारे में हमें कुछ मालूमात हासिल होगी और उनकी अहमियत का हमें अंदाज़ा होगा। पेशे क्या है, काम क्या है? हम अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए कुछ काम करते हैं, कोई पेशा इख्तियार करते हैं, जिसकी वजह से हमें इनकम मिलती है, हमारी आमदनी आती है, जिससे हम अपना गुज़र बसर आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे पेशे होते हैं। आपके इर्द गिर्द आप देख लें तो डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अगर छोटे छोटे पेशे आप देख लें तो जब आपके घर में कोई इलेक्ट्रिशियन का काम होता है तो हम इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, प्लम्बर को बुलाते हैं। ये सब इनके अपने अपने पेशे हैं जिससे इनकी आमदनी होती हो और अपना घर का खर्चा चला सकते हैं। अब हम इस सबक का मुताला करते जा रहे हैं और जहाँ जहाँ ज़रूरत महसूस होगी मैं वहाँ आपको एक्सप्लेन करती जाऊँगी। तो आप अपनी बुक किताब का सबक खोल लें, काम और पेशे। ठीक है, अब मैं मुताला कर रही हूँ, यकीनन आपने अपनी बुक्स ओपन कर ली होगी। चलें, अपनी ज़रूरियात की तकमील और ख़ुशहाल ज़िंदगी बसर करने के लिए हर इंसान को कोई ना कोई काम करना पड़ता है। डेफ़िनेटली जब वो कोई काम करेगा तभी उसे रुपए पैसे मिलेंगे और जिसकी वजह से वो अपना खर्चा उठा सकेगा। बिना काम किए, बिना, जो लोग काम नहीं करते, जो लोग आराम करते रहते हैं या काम चोरी करते हैं, उनकी आमदनी नहीं होती, जिसकी वजह से वो अपना घर भी अच्छे से नहीं चला सकते और वो अपने हुनर की सलाहियत की बुनियाद पर काम का इंतखाब करता है। देखिए, हर काम हर बंदा नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने कुछ एबिलिटीज़ दी होती है, इंसान के अंदर रखी होती है, हुनर रखा होता है, तो वो अपने हुनर को देखते हुए, हुनर को मद्देनज़र रखते हुए पेशा इख्तियार करता है। ठीक है, काम का इन्हिसार इंसान के इर्द गिर्द के माहौल पर होता है। लोगों के काम करने के वो पेशे कहा जाता है। इंसानी ज़िंदगी में बेशुमार पेशे हैं जिनमें ज़रात, ठीक है, अब जो जो पेशे हैं, मैं कुछ पेशे मैंने आपको पहले बता दिए और कुछ अब यहाँ पर है जिक्र इसका, ज़रात, सनद, तिजारत। ठीक है, जैसे ज़रात से खेती बाड़ी गाँव वगैरह में जो की जाती है, सनद, हमारे मुल्क में बड़ी बड़ी सनतें हैं जहाँ पर बहुत सी मसनूआत तैयार की जाती हैं, तिजारत, कुछ सामान एक जगह से लेकर दूसरे ममालिक या दूसरे शहर पर पहुँचाना। ठीक है, तालीम व तदरीस वगैरह शामिल हैं। हर इंसान अपने कुंबे की ज़रूरत, कुंबे मीन्स ख़ानदान, ठीक है, अपने ख़ानदान कुंबे की ज़रूरियात पूरा करने के लिए कोई ना कोई पेशा इख्तियार करता है। ज़रात इंसान का कदीम तरीन पेशा है, कदीम तरीन पुराना, ठीक है, ज़रात जो है बहुत ही पुराना पेशा है। ज़रात का शुमार आला किस्म के पेशों में होता है। हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, याद रखिएगा, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, सनती मुल्क नहीं।
यहाँ के तकरीबन 70% लोग 70% ठीक है 70% लोग ज़रात के पेशे से वाबस्तः हैं। मशीनी दौर से पहले खेतीबाड़ी करना एक बहुत ही मुश्किल काम था। जो पे आजकल जो मशीनी दौर है, मशीनों के ज़रिए ट्रैक्टर के ज़रिए बड़ी बड़ी खेतीबाड़ी आसानी से की जाती है। पहले के दौर में जब इंसान ख़ुद हल चलाया करते थे तो वो बहुत स्लो प्रोसेस हुआ करता था। उन्हें जो काम दिनों और महीनों में होता था वो काम अब घंटों में हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आज का जो दौर है मशीनी जदीद दौर है। खेतों में बैलों के ज़रिए से हल चलाया जाता था, मशीनी और खेतों को रेट के ज़रिए सैराब किया जाता था, मगर आज का दौर मशीनी, अब हर काम जदीद मशीनों से किया जाता है। ट्यूबवेलों की मदद से खेतों को पानी दिया जाता था। पहले जो है एक ही बंदा होता था माली, जो वो शावर लेके पानी खेतों पे दिया करता था, लेकिन अब ट्यूबवेलों की मदद से स्पीडली हर जगह खेतों में दूर दूर तक पानी पहुंचा दिया जाता है। खाद की बदौलत एकड़ पैदावार में इजाफा हो गया है, जिसकी बदौलत ज़मीनों से पैदावार कई गुना ज़्यादा हासिल होने लगी है। अब दूसरे पेशे की तरफ आते हैं। अच्छा, ये सफ़े पे देख लें कि आपको बहुत सारे पेशों की डायग्राम्स नज़र आ रही है, पिक्चर्स नज़र आ रही है। यहाँ पे देखें डॉक्टर्स हैं, ठीक है, ये मरही लकड़ी मरम्मत करने वाला है। यहाँ देखें बावर्ची है, नाई है, इस तरीके से हमें बहुत सारे पेशे देखने को मिलते हैं। चरवाहे मवेशी पालते हैं, भेड़ बकरियों गाय भैंसों और वगैरह से हमें गोश्त घी और मक्खन मिलता है। बास जानवरों का चमड़ा जूते और दीगर सामान बनाने के काम आता है, ठीक है। जो जानवर होते हैं, जानवर देखिए जानवरों से हमें क्या क्या मिलता है। जानवरों से हमें दूध भी हासिल होता है, जिसकी हम थ्रू दही मक्खन घी वगैरह बनाते हैं, जो हम अपनी डेली गज़ा में रोज़मर्रा की गज़ा में इस्तेमाल करते हैं। बास जानवरों का चमड़ा जो है जूते और बैग वगैरह बनाने के भी उनके काम आता है, ठीक है। और ज़ाहिर सी बात है जानवरों का गोश्त हम खाते हैं। पाकिस्तान में चरवाहे ज़्यादातर सुबह खैबर पख्तूनख्वा मगरबी पहाड़ी इलाकों सुबह बलूचिस्तान चौलिस्तान के इलाकों में मवेशी चराते हैं। इसके अलावा अब मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जदीद तरीके से मवेशी पालने के लिए कैटल फार्म और डेयरी फार्म वगैरह कायम किए कर रहे हैं, यानी कि ऐसे अब आम जबान पे कह सकते हैं कि जो वो फॉर्म होते हैं जहाँ पर मुर्गियाँ के साथ पाली जाती हैं, कैटल फॉर्म जहाँ पर बहुत सारे जानवर पाले जाते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में बहुत से अफराद तजारत से वाबस्ता हैं। तजारत और ज़रात की तरह सनत व हरफत भी एक आज़ाद पेशा है। सनत व हरफत को अंग्रेज़ी ज़बान में इंडस्ट्री कहा जाता है। पाकिस्तान में लोगों का रुझान ज़्यादा तवज्जो यानी कि ज़्यादा ध्यान, ठीक है, पाकिस्तान में लोगों का रुझान सनत व हरफत की जानिब रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि जिन ममालिक ने इंडस्ट्री को तरक्की दी है वो तरक्की याफ्ता ममालिक सिप में शामिल हो गए हैं। इंडस्ट्री को फोकस करना नहायत ज़रूरी है, क्योंकि जब पैदावार ज़्यादा होगी, ज़्यादा चीज़ें बनाई जाएंगी, मसनूआत तैयार की जाएंगी, तो वो अपने ममालिक की ज़रूरियात पूरी करने के साथ साथ दीगर ममालिक में भी भेजी जा सकती है, जिससे ज़र मुबादला में इजाफा होता है, इनकम पाकिस्तान की बढ़ती है, ठीक है। तो जो भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो उन्होंने जो है सनतों को अपना फोकस रखा है, उसी पर ज़्यादा तवज्जो दी है और उसको उन्होंने बढ़ा चढ़ाया है। इन ममालिक में इंग्लिस्तान, अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, फ्रांस और रूस वगैरह शामिल हैं। कानकुन के सतह ज़मीन के नीचे से, ठीक है, ज़मीन के नीचे से अब बात की जा रही है, लोहा, कोयला, नमक, जिप्सम वगैरह तलाश करते हैं। कानकुन दिन रात सतह ज़मीन के नीचे काम करते हैं और बहुत सी धातें हम इस्तेमाल के लिए निकालते हैं। सनती तरक्की का दारोमदार धातों के इस्तेमाल पर भी है। कानकनी का पेशा पाकिस्तान की तमाम सूबों में आम है। हमारे रोज़मर्रा इस्तेमाल की बेशतर चीज़ें कारखानों में बनती हैं, ठीक है, जिसे आपने बहुत सी चीज़ें देखी होंगी, हमारे जो बर्तन वगैरह पॉट्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है, और भी प्लास्टिक के बहुत सी चीज़ें होती हैं आप देखें, या फिर स्पोर्ट्स की जो चीज़ें होती हैं खेल के लिए, जो खेल के मैदानों में इस्तेमाल होती हैं, सब सनतों में तैयार की जाती हैं, जहाँ बहुत से कारीगर इंजीनियरिंग की
इंजीनियरों की निगरानी में काम करते हैं और हमारे लिए मुख्तलिफ किस्म की अशिया तैयार करते हैं। इसके अलावा बरई लकड़ी का सामान तैयार करता है, लोहार लोहे का सामान बनाता है, जो लोहा कपड़ा बुनता है और कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है। इसी तरह हमें अपने इस्तेमाल की चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। शहरों में बड़े बड़े तिजारती मरकज़ और शॉपिंग मॉल होते हैं जहां रोज़ाना लाखों रुपए का कारोबार होता है। ठीक है, जिस तरह की आपने देखे होंगे हमारे शहर कराची में बहुत ही ज़्यादा मॉल्स ओपन हो चुके हैं, जगह जगह पे मॉल्स मिल जाते हैं और जहां पर अच्छी वैरायटीज़ भी मौजूद होती हैं तो वहां पर लाखों करोड़ों का कारोबार चल रहा होता है। अंदरूनी मुल्क और बैरूनी मुल्क रकम के तबादले बैंकों के ज़रिए होते हैं। ठीक है, लोग अपनी रकम बैंकों में जमा करवाते हैं, बैंक में बिजली पानी और गैस के बिल वगैरह भी जमा होते हैं। बैंक में काम करने वाले को बैंकर्स कहा जाता है। जैसे कि आप और हम सब जानते हैं कि बैंक में अगर हमारे घर से कोई बाहर मालिक में जॉब कर रहा हो तो जब वो पैसे हमें रकम भिजवा रहा होता है तो वो बैंक के थ्रू हमसे निकलवाते हैं। ठीक है, और बैंक में जो जॉब करते हैं उन्हें बैंकर्स कहा जाता है। शहरों में मयारी तालीम काफ़ी बेहतर है, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में जदीद तालीम दी जा रही है। पहले के दौर से अब के दौर पर अगर फोकस किया जाए, देखा जाए, गौर किया जाए तो पहली तालीम और अब की तालीम में बहुत फ़र्क आ गया है। पहले जो है बस किताबों से तालीम हासिल की जाती थी, लेकिन अब जो है डिजिटल दौर आ चुका है जहाँ पर जो है कंप्यूटर के थ्रू भी अच्छी से तालीम दी जाती है। बच्चा घर बैठे बैठे भी बहुत सी तालीम हासिल कर सकता है। जहाँ पढ़ने वालों को लेक्चरर और प्रोफेसर कहा जाता है। लोगों को सेहत की बेहतरीन सहूलतें देने के लिए शहरों में बड़े बड़े अस्पताल बने हुए हैं जहाँ डॉक्टर नर्सें और दिन रात मरीजों की खिदमत करते हैं। शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें सड़कें बनाने के लिए इंजीनियर होते हैं जो कंस्ट्रक्शन कंपनियों में काम करते हैं। रेडियो टीवी और अखबारात में काम करने वाले को सहाफ़ी कहते हैं। जो सहाफ़ी वो होते हैं बच्चों जो रेडियो टेलीविज़न न्यूज़पेपर्स में काम करते हैं, जो हमारी रिपोर्ट्स रेडी करते हैं। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन न्यूज़ हमारे लिए रेडी करते हैं। तो सहाफ़ी हमें दिन रात दुनिया भर की ख़बरों से बाखबर रखते हैं। चंद लोग ऐसे पेशे अख्तियार करते हैं जिनके ज़रिए वो दूसरे लोगों की बेहतरी के लिए काम करते हैं। मसलन वकील, दफ्तरी मुलाजिम, सिपाही और फौजी वगैरह, ये ऐसे पेशे हैं जहाँ पर खदमत दखल की जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा चाहे रेंजर्स ले लें, हमारे पुलिस ऑफिसर्स ले लें, फौज के सिपाही, ये सब हमारी खिदमत करते हैं, हमारी हिफाजत करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं। पुलिस वाले हमारी जान व माल की हिफाजत करते हैं और मुल्क में अमन अमान कायम रखते हैं। हमारे फौजी मुल्की सरहदों की हिफाजत करते हैं। वकील और जज मुल्क में इंसाफ की फराहमी के लिए खिदमत अंजाम देते हैं। पाकिस्तानी होने की हैसियत से हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी बसात के मुताबिक मुल्क व कौम की तरक्की व खुशहाली के लिए कोई ऐसा काम करें जिससे ना सिर्फ हमारा मुल्क खुशहाल बल्कि तरक्की याफ्ता ममालिक के सिफ में खड़ा हो सके। ठीक है, एज़ अ पाकिस्तानी आवर ड्यूटी है कि हम अपने मुल्क के लिए ऐसे कारनामे करें, ऐसी खदमात अंजाम दें जिससे हमारे मुल्क को तरक्की हो, जिससे हमारे मुल्क में फ़ायदा हो। ठीक है, एज अ सिटीज़न हमें अपने हम छोटे छोटे जैसे आप लोग स्टूडेंट्स की ऐसे ऐसे देखा जाए तो आप छोटे छोटे काम अंजाम दे सकते हैं। लाइक आप ये कर सकते हैं कि अपने स्कूल को, अपने मोहल्ले को साफ रखें, ऐसे स्टूडेंट्स जो नहीं पढ़ पाते उनकी मदद करें, उनको पढ़ा के उनकी पढ़ाई में, उनकी स्टडी में आप हेल्प करें, क्योंकि जब पढ़ता है इंसान तो ही वो आगे बढ़ता है। अगर एक बच्चा पढ़ता है तो एक फैमिली पढ़ती है। ठीक है, इसी तरह हमारे मुल्क में तरक्की हो सकती है। आप छोटी छोटी खदमात करके भी अपने मुल्क की खदमत कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप दरे पैमाने पे ही कोई काम करें, आप अपने घर से शुरुआत कर सकते हैं। अपना घर, अपना मोहल्ला, अपने स्कूल को साफ़ सुथरा रखें। याद रखिएगा सफाई नफ्स ईमान है। अपने स्कूल, अपने मोहल्ले को साफ़ रखें। जहाँ बच्चा जिसको पढ़ाई में दिक्कत पेश आती है तो आप उसकी स्टडी में हेल्प कीजिए। आपको लगता है कि किसी आपके फ्रेंड्स को या आपके किसी मोहल्ले में किसी ऐसे को आपकी ज़रूरत है किसी भी किस्म के,
तो छोटी छोटी खिदमतें आप कर सकते हैं। आप अगर रोड क्रॉस करते हो तो देखो कि कोई बच्चा है जो रोड क्रॉस करते हुए झिझक रहा है, सिटेट फील कर रहा है, या फिर कोई बुजुर्ग है जो रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा, तो आप उनकी मदद कर सकते हो। छोटी छोटी खिदमत हमें करने का बहुत मौका मिलता है, तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी छोटे छोटे काम करके मुल्क की खिदमत करें। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा आज का चैप्टर ख़त्म होता है। आप सबसे पहले हम के सबक के बाद, हम का सबक मुकम्मल होने के बाद, इस सबक का आप टाइटल बनाएंगे, ठीक है? टाइटल बनाना है काम और पेशे। इस सबक के टाइटल्स बनाएंगे, टाइटल की जब आप बनाएंगे तो सफ़े पे आज की आप डेट मेंशन करेंगे, ठीक है? उसके बाद आप इस सबक की लिखाई करेंगे। वन पेज आपको राइटिंग करनी है, एक पेज लिखाई करनी है। इसके बाद इस सबक का जो काम है वो आपको पीडीएफ के थ्रू मिल जाएगा। आप पीडीएफ के थ्रू देख के अपने काम को आप मुकम्मल करेंगे। तमाम काम आपको सफाई से करना है। बच्चों, आज की हमारी क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ कि सबक आपको समझ आ गया होगा। अब आपको इस क्लास के ख़त्म होने के बाद सबसे पहले आपको इस सबक की रीडिंग करनी है। रीडिंग करने के बाद आप टाइटल बनाएंगे, उसके बाद आप राइटिंग करेंगे, ठीक है? बाकी जो काम पीडीएफ में दिया गया आप वो करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।